आपने इतिहास में क्या किया वो सिर्फ पन्नों का हिस्सा है। इस समय आपका प्रदर्शन उतना अच्छा है नहीं। नंबर 7 पे है मुंबई इंडियंस, नंबर 5 पे है पंजाब किंग्स। दोनों ही टीम्स में है बदलाव। आज जब सिक्का उछला तो गिरा रोहित शर्मा के पक्ष में और रोहित शर्मा ने कहा कि हम फील्डिंग करना चाहते हैं। जब पूछा पॉमी ने कि क्यों करना चाहते हैं, कह रहे बहुत ज्यादा इस बारे में सोचा नहीं है। 135 का स्ट्राइक रेट, मुंबई इनको खास पसंद है, बहुत रन बनाते हैं मुंबई के सामने। मंदी उसे छोड़कर ये शॉट देखिए और सिर्फ सराहते रहिए। चौके के साथ ओवर समाप्त कीजिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 3 समाप्त। दर्शनीय, क्या ड्राइव लगाता है ये खिलाड़ी। नहीं भागेगा, मिल गए यहां बहादुर को साथ। चौके के साथ ये ओवर हुआ समाप्त, 4 के बाद 32। जी हाँ, बढ़िया गेंद, ये जरूरी विकेट, बढ़िया ब्रेक थ्रू ये कुणाल पांड्या द्वारा, जरूरी थी एक विकेट चटकानी पावर प्ले में। 36-1 पंजाब, 193 रन, 3 दफा 30 से अधिक स्कोर बनाया है, 127 का स्ट्राइक रेट। गोली की तरह गेंद गई थी, बैट्समैन को लगी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और वहीं पे कुणाल ने मना कर दिया कि वो अपने आप को बचा रहे थे, तो फेयर प्ले में बड़े सारे अंक मिलेंगे। ये वो मोमेंट है जो आप खेल भावना की बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया लगा। चाहे बाहर भी थे केएल राहुल, उसके बाद कुणाल पांड्या देखे तुरंत मना किया और फिर कप्तान रोहित ने भी मना किया कि हम नहीं अपील कर रहे। कितना अच्छा संपर्क, उतना अच्छा नहीं, बॉलर ने क्रिस गेल को वापस पवेलियन भेजा। मुस्कुराहट मुंबई इंडियंस के डगआउट में, जानते हैं कितनी जरूरी है विकेट थी। यूनिवर्स बॉस वापस पवेलियन। 54 रन है, अब ये दिक्कत रही है पंजाब किंग्स की ओवरसीज बल्लेबाज उनके रन नहीं बना रहे। ग्लव पे लगी गेंद, डबल धमाल, डबल झटका, किरण फोरहैंड, बड़ी विकेट एक बार फिर फंसाई। शानदार तरीके से 300वें विकेट पे पहुंचे T20 अपने करियर में किरण पोलार्ड, केएल राहुल को आउट किया। और क्या तरीका है 300 विकेट पे पहुंचने के लिए, इतनी बढ़िया विकेट, जो बल्लेबाज टेक्निकली बहुत ही ज्यादा सक्षम है उनको आपने आउट किया। 300वां विकेट T20 क्रिकेट में, केएल राहुल 21 रन बना के वापस पवेलियन, 41-3 पंजाब। दो की मांग की है वहां पे, पहला रन तेजी से लेते हुए, मिलेंगे 4 रन। सीधा गेंद पैड पे लगी है, इसी के लिए लेके आए थे और विकेट लेके दी जसप्रीत बुमराह ने। चाहे रिव्यू जरूर करेंगे, फुल टॉस, गेंद पैड पे लगी है। बॉल ट्रैकिंग कमिंग अप, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स हिटिंग, ओरिजिनल डिसीजन आउट, लेट्स गो बैक टू ऑन फील्ड अंपायर वीरेंद्र प्लीज। वीरेंद्र यू आर ऑन स्क्रीन, स्टे विद योर ओरिजिनल डिसीजन आउट, आई रिपीट आउट, थैंक यू। 2 रन बना के आउट हुए निकलस पूरन, 48-4। बढ़िया शॉट यहां पर 4 रन के लिए, और जरूर था पंजाब किंग्स के लिए। कड़क ये भी शॉट है, ये ड्राइविंग यहां पे हमने बहुत लाजवाब देखी है। इस शॉट की आवाज ना वो आबू धाबी से दुबई तक गई है। इस फेज में बाउंड्रीज तलाशनी पड़ेंगी, ये बहुत पसंदीदा जोन है एडन माक्रम का, और शुरुआत में ही लगा दिया है चौका ट्रेंट बोल्ट पे। एक और बेहतरीन शॉट और इस बार पॉइंट की तरफ से दूसरा चौका इस ओवर का। वाइड थी गेंद और उसको स्लैश किया है पॉइंट के ऊपर से। इस ओवर की तलाश थी पंजाब किंग्स को। रिटर्न कैच आसान कभी नहीं होते, विकेट चाहिए पलटन को, लेकिन इस समय तो सिर्फ बाउंड्रीज आ रही हैं।
लेकिन राहुल चहर ने वापसी कराई है अक्रॉस खेलने की इस टेम्पटेशन में, वो विकेट मुंबई इंडियंस को दिलाई है। 42 पेड इन मार्कर में एक बेहतरीन पारी खेल के जाते हुए 109 पे 5 पंजाब किंग्स। अपनी दौर बैटिंग कर सकते हैं। बढ़िया गेंदबाजी, कोई मौका देता नहीं बल्लेबाज को। यहां पे डायरेक्ट हिट काम कर जाती। अब ये गेंद कहां गई है? ऊंची तो काफी गई है, दूर नहीं, सिर्फ केपी तक। जहां आप केपी हैं वहां सफलता है। कैरन पोलार्ड पहले गेंद के साथ आउट कर रहे थे, अब गेंद को पकड़ के आउट कर रहे हैं, क्या बात है। 1, 2, 3 पर 6, दीपक के खाते में 28। अब ये गेंद भी ऊपर ही गई है, क्या कोई फील्डर नीचे पहुंच पाएगा या गिरेगी नो मैन्स लैंड में? अरे सूर्या, मौका था, छिटक गया है। आखिरी गेंद, ये समरी है ये इस पारी की अब तक की। लो फुल टॉस गेंद थी, आप चाहते तो बहुत थे लेकिन आपका हर प्रयास जो है ना वो काश बन के रह गया। ऐसा होता तो वैसा होता। सच ये है कि पोलार्ड के खाते में 2 बड़ी सफलताएं हैं, जसप्रीत बुमराह के खाते में 2 बड़ी सफलताएं हैं, राहुल चहर, कुणाल पंड्या सबने की अच्छी गेंदबाजी। 20 ओवर में रोक दिया है विपक्षी टीम को 134 के स्कोर पर।